हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। और आज की क्लास जो है बहुत इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि आज की क्लास में हम बहुत इम्पोर्टेंट सेशन डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपका जितना भी सीयूईटी का आपका सिलेबस है उस सबको कवर करेंगे। साथ में ही एमसीक्यूज लेंगे। एमसीक्यूज में हम सारे एमसीक्यूज जितने भी हैं, आपके 50 से ज़्यादा एमसीक्यूज हम करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो आप सभी बने रहिए और साथ बनाए रखना। जितने भी हमारे फिजिकल एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, शेयर करो भाई सभी। जितने भी सीयूईटी की बीपीएड की तैयारी कर रहे हैं, सभी को शेयर कर दो भाई। ये जिनका फेज टू का एग्जाम होने वाला है उनको ये चीज, और बाकी पीडीएफ वगैरह अगर आपको चाहिए तो रूट टू फिजिकल एजुकेशन टेलीग्राम का चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो ले लेना वहां से। चलिए, तो सबसे पहली चीज तो हम सिलेबस को डिस्कस करते हैं कि सिलेबस एक्चुअली में आपका कौन सा क्या है। तो सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले। तो सिलेबस के लिए हमें एक, जिसमें हमने पूरा का पूरा मास्टर वीडियो भी कवर किया गया, उस मास्टर वीडियो को भी देखना जरूरी है। तो मास्टर वीडियो भी जरूर देख लेना भाई, जिसने भी नहीं देखा है। चलिए, तो अब हमारे पास खुल गया है आपका सिलेबस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट सिलेबस आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सिलेबस आप देख पा रहे हैं, ये फिजिकल एजुकेशन का आपका सिलेबस है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स यानी कि एनसीसी और योगा। तो जिनका ये आपका स्लैश स्लैश दे रखा है, तो ये पूरा का पूरा सिलेबस जो है ये पूरा 12th के बेस पे है। बाकी सेशन को शेयर भी कर दो, लाइक करते रहो, मनोबल बढ़ता रहेगा। बढ़िया, लाइव चैट में बिल्कुल। जो लोग फिजिकल की बोल रहे हैं कि स्किल में आपके कितने आने चाहिए थे, उनको भी बता दूं, जो आपका स्किल टेस्ट हुआ था, स्किल टेस्ट में आपके देखिए 4 टेस्ट थे। मैक्सिमम आप 100 मार्क्स गेन कर सकते थे, 4 टेस्ट थे तो आपके 400, आप 100, 400 आपके मैक्सिमम गेन कर सकते थे। लेकिन आपको कितने चाहिए? 60% चाहिए थे, तो 400 का 60% करेंगे तो 240 नंबर, आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, 240 नंबर अगर आपके पास हैं तो फिजिकल में आप सिक्योर हो। और इसके 240 हो चाहे 250, चाहे किसी के 310 हो, चाहे किसी के 350 भी मार्क्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 240 है वो भी बराबर है 350 के, क्योंकि ये क्वालिफाइंग मार्क्स था। ठीक है, तो ये रही आपकी स्किल की बात। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी पीडीएफ्स अवेलेबल हैं, तो उन पीडीएफ्स को पूरा डिस्कस करेंगे। कौन कौन से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, आपके कौन कौन से आपके क्वेश्चन जो है डिफॉर्मिटीज पे बनेंगे, तो ये सारी चीजें। चलिए, सबसे पहले यूनिट वाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भी यूनिट देख लेते हैं हम, आपकी पहली यूनिट बिल्कुल। हेलो 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 स्पोर्ट्स गुरु, हेलो। और जो लाइव क्लास चलती थी 8 बजे, वो बंद करके यूट्यूब पे क्यों पढ़ाने लगे थे? अच्छा, आशित वो बताएंगे, सारी चीजें बताएंगे। देखो, सबसे पहली चीज तो आप इसको समझ लो। सबसे पहले यूनिट 1 है, इसमें आपका क्या क्या चीजें आने वाली है। तो सोशल एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इसमें आपका जो मेंस कल्चर हेरिटेज है किस तरीके से, इसमें सारे के सारे आपके क्या आएंगे, एक तरीके से कॉग्निटिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कॉग्निटिव क्वेश्चन को जब हम बात करते हैं, तो उसमें आपको समझने वाले समझदारी वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसको आप इजीली समझदारी से लगा सकते हैं। तो कल्चर का किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ, तो हमेशा इसमें देखना, एमसीक्यू में आएगा। एमसीक्यू में इसमें पॉजिटिव अप्रोच लेके चलना। पॉजिटिव अप्रोच का मतलब है कि जो पॉजिटिव क्वेश्चन दिख रहा हो, आंसर दिख रहा हो, उसी पे आंसर लगाना। क्योंकि आपसे क्या पता बेनिफिट पूछ ले, बेनिफिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन पूछ ले, तो कोई नेगेटिव हो उसको छोड़ के, जैसे कि डिक्रीज इन मसल, ऐसे करके ऑप्शन में देखने को मिलेगा, तो उसको नहीं लगा के आपको थोड़ा सा खुद का दिमाग लगाना है, खुद का दिमाग लगाना है। स्किल में क्या देखते हैं, स्किल में क्या देखते हैं वो भी बताएंगे।
स्किल में क्या देखते हैं वो भी बताएंगे। स्किल में आपके देखते हैं, आपका मैच करवा के देखेंगे, आपका जो भी टेस्ट है वो करवाएंगे, और बाकी आपके टेक्निक्स देखेंगे, चाहे आपकी कोई थ्रोइंग टेक्निक हो या फिर कोई भी एक टेक्निक हो, कैचिंग टेक्निक हो, किसी भी तरीके की जो भी टेक्निक आपकी पर्टिकुलर गेम में यूज होती है उस टेक्निक को देखते हैं। सॉरी। तो ये सारी चीजें हैं। चलिए, तो ये फर्स्ट यूनिट है। फर्स्ट यूनिट में आपका टीम स्पिरिट किस तरीके से, पेशेंस, इसमें से क्वेश्चन इस तरीके से बनेंगे कि स्पोर्ट्स आपको क्या सिखाता है, स्पोर्ट्स आपको क्या सिखाता है। इसमें से बहुत टेक्निकल क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे, और क्वेश्चन पेपर बहुत इजी आ रहा है, इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। हमारी जो वीडियो है, मास्टर वीडियो जिसने देख ली है, सारे क्वेश्चन उसी से थे। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे को बच्चों के बहुत सारे मैसेज आए कि सर आपने जो मास्टर वीडियो में बताया वो सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन फिर भी वहां से क्वेश्चन पूछे गए थे। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है कि इतना एक्सपीरियंस तो हमको है कि किस तरीके को क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि देखिए एक्सपीरियंस उसी को होता है जिसने कभी एग्जाम दिए होते हैं, तो जाहिर सी बात है इतने एग्जाम दे चुके हैं कि सारे एक्सपीरियंस हमारे पास अवेलेबल है। तो फ्रेंडशिप वगैरह, स्पोर्ट्स का कितना बड़ा रोल होता है, स्पोर्ट्स आपको क्या सिखाता है, पर्सनैलिटी ओवरऑल चेंज हो जाती है, और अल्टीमेट एम अगर आ जाए, फिजिकल एजुकेशन का अल्टीमेट एम क्या है। सर एमपीएड के लिए भी आइडिया दे दीजिए एग्जाम के बारे में, सुमित यादव दे देंगे एमपीएड के लिए भी। तो ये चीज है कि स्पोर्ट्स का कितना बड़ा रोल होता है, ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए कि स्पोर्ट्स का जो अल्टीमेट एम पूछा जाए, तो अल्टीमेट एम है आपका होलसम डेवलपमेंट, लिख लो इसको, होलसम डेवलपमेंट, यानी कि एक तरीके से संपूर्ण विकास। संपूर्ण विकास जो है, संपूर्ण विकास आपका स्पोर्ट्स का अल्टीमेट एम है, फिजिकल एजुकेशन का अल्टीमेट एम है आपका होलसम डेवलपमेंट, संपूर्ण विकास करना किसी भी व्यक्ति का। उसमें आपका मेंटली, यानी कि आपका पूरा ब्रेन से रिलेटेड, जितना भी आपका एटीट्यूड से रिलेटेड, इमोशनली आपका एग्रेशन हो गया, और जितने भी आपके इमोशंस है, फियर, डर, भय, किसी भी तरीके से प्यार, स्नेह, सारी चीज का डेवलपमेंट। तो मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट। सोशल मतलब कि आपका सोसाइटी में किस तरीके से आप रहते हैं, आपकी दोस्ती कितने अच्छे तरीके से, आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स योर फ्रेंड्स कैसा है, टुवर्ड्स योर सोसाइटी कैसी है, वो चीज। उसके बाद में नेक्स्ट इज योर मेंटल, सोशल, इमोशनल और फिजिकल। सबसे बड़ा फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट में आपका क्या आता है कि आपकी स्ट्रेंथ, मसल्स, आपकी बॉडी, आपके पूरे के पूरे आपके ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम किस तरीके से काम कर रहे हैं, ये आपका आता है फिजिकल डेवलपमेंट में। तो ये सारी चीज है आपका फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, सब तरीके से जब आप डेवलप हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं होलसम डेवलपमेंट, और ये ही अल्टीमेट एम है फिजिकल एजुकेशन का। नेक्स्ट, अब बात करते हैं आपका स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की। यहां से आपके मेन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखा जाए तो मीनिंग ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, तो मीनिंग ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या है, आपके खिलाड़ी को किसी भी तरीके से ट्रेन करने की एबिलिटी, एक तरीके से जो कोचिज आपके यूज करते हैं, तो स्पोर्ट्स में किस तरीके से आप ट्रेंड करते हैं किसी भी खिलाड़ी को, कौन कौन सी टेक्निक्स का यूज करते हैं, किस किस साइंटिफिकली मेथड्स का, कौन कौन से प्रिंसिपल्स यूज करते हैं, उन सभी प्रिंसिपल्स को यूज करके किसी खिलाड़ी की ट्रेनिंग को बनाना ही स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है। साथ में ही हर चीज का वहां पर ध्यान दिया जाता है, एज का, सेक्स का, और उसकी ट्रेनिंग एज का, उसके आपके बॉडी का, उसके साथ साथ में उसके किस किस लेवल का वो खिलाड़ी है उसका, और इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है आपका कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंस है। तो इम्पोर्टेंस क्या है कि विदाउट स्पोर्ट्स ट्रेनिंग आप किसी खिलाड़ी को अल्टीमेट एम तक नहीं पहुंचा सकते। तो एक क्वेश्चन आता है कि अल्टीमेट एम क्या है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का अल्टीमेट एम है किसी भी खिलाड़ी की परफॉर्मेंस को हाइयर लेवल तक लेके जाना, हाइयर लेवल तक,
हायर लेवल तक लेके जाना। उसके बाद में आपके स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, अभी हम इनको पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद में आप यह देख लें स्पोर्ट्स ट्रेनिंग और इसके इंपोर्टेंस, साथ साथ में डेफिनेशन देख रहे हैं, डेफिनेशन क्या क्या डेफिनेशन पूछी जाती है उनकी भी बात करेंगे। ट्रेनिंग मेथड से यहां से आपके क्वेश्चन बनेंगे, ये चारों ट्रेनिंग मेथड दे रखे हैं आपके, रेपिटेशन, कंटिन्यूअस फार्टलेक, इंटरवल, ये सारे इनके आपकी, इनका पर्पस क्या है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या है, इनके बारे में क्वेश्चन आएंगे आपके, इनके बारे में पूछे जाएंगे। सर योगा के स्किल टेस्ट में क्या क्या देखते हैं? योगा के स्किल टेस्ट में आपके आसन देखेंगे, आसन कितने अच्छे हैं आपके, परफेक्ट हैं आपके, चार पांच आसन आपका फेवरेट जो आसन है वो करवा के देखेंगे। एमपीएड के लिए भी आइडिया दे दीजिए, इसके भी बता देंगे। सर टुडे वी विल डू एमसीक्यू, यस एग्जैक्टली आज हम एमसीक्यू करेंगे टू इनहांस, यस सोमनाथ यादव बिल्कुल। सर फिजिक्स में 2009 आया, कुछ बताइए सर जी, 209 आया, अच्छा फिजिकल में 209 आया, 209 बहुत कम है सर, मेरा फिजिकल में 219 आए हैं लेकिन स्किल तो बहुत अच्छा गया है, प्लीज कुछ बताओ। अभी बताएंगे इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे, पहले क्लास को कर लेते हैं। तो ये आपके उसके साथ साथ में आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक और आपका साथ में सर्किट ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग, इनके बारे में बात करते हैं, ये आपकी क्या होती है। तो अगर हम देखें, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, वीडियो के किसी भी, और चैनल को भाई सब्सक्राइब और कर लो फटाफट से, वीडियो को देखिए, इसमें जाओ टेलीग्राम पे जाना है आपको, वीडियो के किसी भी डिस्क्रिप्शन में जाना है और टेलीग्राम पे आपको मिलेगा रूट टू फिजिकल एजुकेशन, वहां पे फॉलो करो, और साथ में इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करो क्योंकि वहां पे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं देता रहता हूँ, तो वहां पे आपको जरूर फॉलो करना है मुझे, ये चीज इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आपका ट्रेनिंग की बात करें, ट्रेनिंग मेथड्स कौन कौन से होते हैं उनके बारे में, ये आपके सिलेबस में है, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्या क्या आपके हैं। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की मैंने बताया, किसी भी खिलाड़ी की परफॉर्मेंस को हायर लेवल तक लेके जाना, तो यहाँ पे यही दिख रहा है आपको, हायर लेवल तक लेके जाना और साथ में ही उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाना अलग अलग एक्टिविटीज में, तो ये चीज है आपकी, इम्प्रूव करते हैं किस तरीके से, हर तरीके से, मेंटल लेवल पे, उसके साइकोलॉजिकल लेवल पे, उसका न्यूट्रिशनल वैल्यूज क्या क्या है, हर तरीके से खिलाड़ी की आपकी जब चीजें इम्प्रूव हो जाएंगी तो अल्टीमेटली उसकी ट्रेनिंग भी इम्प्रूव हो जाएगी। उसके बाद में है मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग, यानी कि आपका स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, इम्प्रूव स्किल लेवल, मोटिवेशन, एम्बिशन, हर तरीके से साइकोलॉजिकल, मेंटल, फिजिकल, हर तरीके से बढ़ाता है एक कोच किसी भी खिलाड़ी की परफॉर्मेंस को। बढ़ाने के तरीके होते हैं यार, ऐसे नहीं बढ़ती हैं, आप जब सारी चीजें एक एक करके बढ़ा देंगे, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे, उसका मेंटल कैपेसिटी लेवल बढ़ा देंगे, उसका मेंटली वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा, नहीं यार कोई कुछ नहीं है मेरे आगे, मैं ही सब कुछ हूं, और उसके साथ साथ में अगर मान लीजिए उसका आप बढ़ा पा रहे हैं एक तरीके से इंटरनल ऑर्गेन्स का आपका कैपेसिटी, जैसे कि लंग्स की कैपेसिटी ज्यादा स्पोर्ट्स में यूज होती है, तो वीओ टू मैक्स अगर बढ़ा देते हैं। वीडियो को डिलीट मत कीजिएगा, आप इसको देखते रहो, हम डिलीट नहीं करेंगे। एलसीपी बीपीएड का क्या सिलेबस क्या है सर, बताएंगे इसका भी बताएंगे, फेज टू में ही मेरा भी है, मेरा एडमिट कार्ड आ गया है बिल्कुल, तो फेज टू के बारे में ही हम बात कर रहे हैं। वीडियो को शेयर भी करते रहो भाई, लाइक करते रहो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इसको इस पर जुड़े रहो, इसी में मिलेगी सारी जानकारी। जुकाम हो गया, ओके। उसके बाद में अगर हम देखें स्किल, स्किल की अगर हम बात करें, स्किल में क्या क्या पूछे जाते हैं, मैं ये देख पा रहा हूँ यहाँ पे 23 वॉचिंग आ रही है, और साथ में लाइक कितनों ने कर रखी है, 7 बंदों ने लाइक कर रखी है, पहले लाइक बढ़ाओ फिर जब जाके पढ़ाऊंगा। चलो तो मीनिंग ट्रेनिंग ऑल्सो इन्वॉल्व, अब इसके नीचे ही आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि स्किल कैसे इंप्रूव करते हैं, स्किल में क्या क्या पूछा जाता है, इसी के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ये सारी चीजें। अब ये बात है आपकी कि ट्रेनिंग की आपकी क्या ऑल्सो अलाउज
एथलीट टू गेन मोर नॉलेज। आपको पता है खिलाड़ी को जब आप कोई भी ट्रेनिंग कराएंगे तो जाहिर सी बात है वो हर चीज में नॉलेज गेन करेगा, कहीं से भी चाहे आप कोई भी ट्रेनिंग करते हो आपको कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी नॉलेज गेन होती है। तो एक जो ये तो नॉर्मल सी बात है, इसमें से क्वेश्चंस बहुत कम देखने को मिलेंगे, लेकिन इसके इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए फिजिकली लेवल पे फिट हो जाता है इंसान, डिसिप्लिन हो जाता है, एक यूनिटी होती है, टीम वर्क होता है, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, वो फोकस से काम करने लगता है, यानी कि आपकी स्ट्रेंथ वगैरह सारी चीजें इंप्रूव होती है। तो ये फिजिकल फिटनेस में आ गई। और डिसिप्लिन, आप सुबह टाइम पे जाते हो शाम को टाइम पे जाते हो क्योंकि कोच आपका एक प्लान बना के रखता है। यूनिटी मतलब कि आप टीम वर्क के साथ खेलते हो, जैसे अगर आप मान लीजिए कोई टीम गेम में है तो आपको पता है आपको अकेले को ही वहां से, आप टीम गेम में जब हम बांटते हैं तो जो फुटबॉल का एग्जाम्पल लेते हैं तो फुटबॉल जो गेम है उसमें ऐसा ही नहीं है कि सारे अटैकर होंगे, कुछ आपके अटैकिंग खेलते हैं, कुछ मिडफील्डर होते हैं, कुछ आपके डिफेंडर खेलते हैं। तो डिफेंडर थोड़ी जाके वहां पे अटैक करके कि मैं ही करूंगा, मैं किसी को पास नहीं करूंगा, आपको सबके साथ खेलना होता है। उसी तरीके से गोलकीपर है, वो गोलकीपर जाके कहेगा नहीं मैं गोलकीपिंग नहीं करूंगा, मेरे को तो गोल मारने में मजा आ रहा है, इस तरीके से नहीं चलता है भाई। आपका काम है गोलकीपिंग करना, आपका डिफेंड करना, आपका मिडफील्ड खेलना, आपका अटैकिंग करना, आप इस तरीके से ही खेलेंगे। बात समझ रहे हो? जैसे ये फुटबॉल यहाँ पे मैंने बनाया, मान लो ये बीच में सेंटर लाइन है, ये आपके दो गोल पोस्ट बना दिए मैंने, ठीक है, ये सेंटर सर्कल हो गया। अब यहां से मान लीजिए एक दो ये बीच में है, आपके मिडफील्डर यहाँ डिफेंडर खेलेंगे, ठीक है, मान लो यहाँ पे आपके मिडफील्डर खेलेंगे तीन, ये मैंने बनाया तीन तीन तीन, और यहाँ पे मान लो आपके अटैकर खेलेंगे जो आपके अटैक करेंगे फॉरवर्ड, ठीक है, ये यहाँ पे जाके गोल करेंगे। इसमें वीडियो पॉज हो गई क्या? मैं देख लेता हूँ किस तरीके से। चल रही है मुझे लगा वीडियो पॉज हो गई थी इसलिए। ये देख रहे हो, तो ये एक एग्जांपल है कि आपको सबके साथ खेलना होता है। आप कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? कॉन्फिडेंस जाहिर सी बात है जब आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पार्ट करेंगे, ब्रॉन्ज मेडल आएगा, अगली साल आपका सिल्वर आएगा, फिर गोल्ड मेडल आने लगेगा, फिर आप स्टेट लेवल पे जाएंगे, फिर नेशनल लेवल पे जाएंगे, फिर आपका इंटरनेशनल लेवल पे सिलेक्शन होंगे, फिर इंटरनेशनल में भी आपके हायर लेवल के टूर्नामेंट्स खेलने लगे। कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और उसके बाद में फोकस, जब आप किसी भी ट्रेनिंग की मेंटल एबिलिटी को बढ़ाते हैं तो वहां पे आपको फोकस्ड होते हुए भी दिखता है कोई भी इंसान। तो ये सारी चीज है, ये पता होना चाहिए आपको। और उसी के साथ साथ एक और चीज बता दूं मैं आपको कि किसी भी खिलाड़ी को, अगर मान लीजिए किसी भी खिलाड़ी को अभी स्किल और इसकी बात बाद में करेंगे, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं स्किल वगैरह सबकी बात करेंगे, फिलहाल सेशन को शेयर कर दो, अपने ग्रुप में डाल दो, जो भी आपके ग्रुप बने हुए हैं उनमें डाल दो ताकि हम लोग ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका एक क्वेश्चन लिख लो, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का फादर किसे बोला जाता है, यानी कि आपके फादर ऑफ पीरियडाइजेशन बोला जाता है मिथवेव को। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये आपका, आ सकता है। उसके बाद में आप देखो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके क्वेश्चन कहां कहां से बनेंगे इसमें। ये देखो फैटलेग ट्रेनिंग, फैटलेग ट्रेनिंग को किसने डेवलप किया ये आपको समझना है। तो देखिए मैं समझा देता हूं किस तरीके से फार्टिलेग ट्रेनिंग को कैसे किसने डेवलप किया। तो ये आपके गोस्टा होलमर ने डेवलप किया, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाएगा 110%। इसमें क्या होता है फार्टिलेग ट्रेनिंग में, ये प्री प्लांड नहीं होती है, प्री प्लांड नहीं होती है। दो क्वेश्चन मिल गए आपको, एक प्री प्लांड नहीं होती है, ऊपर से ये आपकी एंड्योरेंस को डेवलप करने का काम करती है, एंड्योरेंस को डेवलप करने का काम करती है, जिसका इजाद गोस्टा होलमर ने किया था। तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बाकी आप पढ़ भी सकते हो फॉर मोर, ठीक है।
बाकी सर्किट ट्रेनिंग में क्या करते हैं, आप घर से निकले, आपने रनिंग करी, फिर जॉगिंग करी, फिर कहीं, फिर आप रुक गए, थोड़ा सा वॉकिंग कर ली, थोड़ा सा आपने पुशअप लगा लिया, थोड़ा सा आपने और कुछ कर लिया, तो एरोबिक और एनएरोबिक दोनों का आपका मिक्सर देखने को मिलता है फार्टलेक ट्रेनिंग में। ठीक है, स्पीड प्ले मेथड भी बोलते हैं, स्वीडिश मेथड भी इसे बोलते हैं। इसके चार नाम याद रखना, एक तो आपका स्वीडिश मेथड, एक स्पीड प्ले, एक आपका फार्टलेग मेथड, ठीक है, और एंड्योरेंस डेवलप मेथड भी बोलते हैं। नेक्स्ट आपका सर्किट ट्रेनिंग, इसमें आपका एक सर्किट बनाया जाता है, इस सर्किट में अलग अलग आपके स्टेशन होते हैं, स्टेशन 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से अलग अलग एक्सरसाइज करी जाती है हर स्टेशन पे, यही आपका सर्किट ट्रेनिंग है। और सर्किट ट्रेनिंग को डेवलप किसने किया था, इसको याद करने का तरीका है कि जब आप शॉर्ट सर्किट लग जाता है, कोई भी आपका मर जाता है, मर जाता है, तो आपका सर्किट ट्रेनिंग किसने डेवलप किया था, मॉर्गन ने, मॉर्गन। वेट ट्रेनिंग की बात करें तो आपकी अलग अलग एक्सरसाइजें इसमें परफॉर्म की जाती है, वेट ट्रेनिंग में इसके एडवांटेज है आपकी मसल स्ट्रेंथ, मसल एंड्योरेंस, इन सबको बढ़ाने का काम करता है। जो जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उनको हम डिस्कस करते हैं सीधा सीधा। इंटरवल ट्रेनिंग, इंटरवल ट्रेनिंग, हाँ इंटरवल ट्रेनिंग का इजाद किसने किया था बताओ, इंटरवल ट्रेनिंग का इजाद किसने किया था ये बताना है आपको। इंटरवल से आपका हैंस रेंडियाल भी याद रखना, हैंस रेंडियाल कैसे याद रखोगे, इंटरवेल से याद रखो इंटरनेट, इंटरनेट, इंटरनेट पे क्या आती है, कॉमेडी वीडियो, फनी वीडियो आती है, उससे क्या होता है आप हंसते हो, तो हंस रेंडियाल, RANDIAL रेंडियाल याद कर सकते हो उसको इस तरीके से। अगर आइसोमेट्रिक आइसोटोनिक किस किस ने डेवलप किया था उसको याद कर लो, आइसोमेट्रिक, मैट्रिक मतलब क्या है, वो इंसान थोड़ा सा क्या है मतलब आलसी है, क्योंकि एक ही जगह पे खड़ा खड़ा एक्सरसाइज करता रहता है, होल्ड कर लेगा डंबल को, हटता नहीं है, एक जगह से हटता नहीं है, मतलब एक ही जगह पे अगर प्लैंक होल्ड कर लिया तो, प्लैंक होल्ड कर लिया तो हटता नहीं है, हटता नहीं है से हटिंजर याद रखना, हटता नहीं है से हटिंजर याद रखना, और हटिंजर के साथ मूलर है, हेटिंजर और मुल्लर ने मिलकर बनाई थी आपके आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। उसी के साथ साथ में आइसोटोनिक कैसे याद रखेंगे, आइसोटोनिक एक्सरसाइज को डेवलप किया था डॉक्टर लॉर्मे ने, कैसे याद रखेंगे, आइसोटोनिक हमेशा कहाँ करते हैं, जिम में करते हैं, जिम में करते हैं, जिम में लॉर्मे, जिम में लॉर्मे, जिम में लॉर्मे, ऐसे याद रखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आइसोटोनिक जो है वो डॉक्टर लॉर्मे ने तैयार की थी, क्योंकि इनको हम जिम में करते हैं, तो जहां भी जिम में तो लॉर में एक जैसा आपका लग रहा है प्रोनाउंस करने में, जिम में लॉर में, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं जिम में लॉर में। और मैट्रिक में क्या है, कोई एक जगह पे स्टैटिक एक्सरसाइज होती है ये सारी, जैसे आपका प्लैंक होल्ड हो गया, आपका कोई भी डंबल होल्ड हो गया, कोई भी वॉल पुश करना हो गया, तो हटता नहीं है हटिंजर एंड मुलल, ठीक है। और ये इंग्लिश नाम है जे पेराइन इंग्लिश नाम है, और वो मसल भी ट्रेन करने का काम करती है बहुत खतरनाक तरीके से। आइसोकाइनेटिक आता नहीं है आपके एग्जाम में, काइनेटिक पर याद रखो, आइसोकाइनेटिक को डेवलप किया था जे पेराइन ने। तो आइसोटोनिक, आइसो का मतलब क्या है आपका इक्वल, और आपका टोनस का मतलब है आपका टोन, मसल टोन इक्वल रहता है आपका, आइसोटोनिक एक्सरसाइज जिम में जो है मसल टोन बना रहता है। और आइसोमेट्रिक का मतलब क्या है, आइसो का मतलब आपका इक्वल, और मेट्रिक का मतलब क्या है, सेम, सेम आपकी मसल जो है सेम लेंथ रहेगी। देखिए यहां पे प्लैंक होल्ड कर रही है महिला हमारी, तो ये चीज है। इसके साथ साथ में अगला आपका रिपीटेशन मेथड, रिपीटेशन मेथड में क्या है, रिपीट करते हैं आप बार बार, तो रिपीटेशन मेथड आपके 8 से 10 रेपिटेशन भी हो सकते हैं, 10 से 12 रेपिटेशन भी होते हैं, तो ये चीज है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए आपके। और बताता हूं और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके, ये आपका फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट से कहां कहां से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, फर्स्ट यूनिट से आपको याद रखना है कि आपका जो ओलंपिक है उसका स्टार्टअप कब हुआ था, एंशियंट ओलंपिक का, तो एंशियंट ओलंपिक आपका स्टार्ट हुआ था 776 BC में याद रखना, और खत्म कब हो गया था 393 AD, तो ये चीज आपको याद रखनी है, 776
बीसी में आपका स्टार्ट हुआ था। और सही है सर ट्रिक, ठीक है। तो 776 BC में स्टार्ट हुआ था और 393 AD तक चला था, तो 393 और 394 भी आ जाए, 394 भी आ जाए तो वो भी करेक्ट होगा, क्योंकि हम कभी कभी ऐसे कर देते हैं, जैसे आपका सन है 2021-22 एक साथ बोलते हैं ना, उस तरीके से ये चीज है, 393-4 एक साथ है। तो अब जो एंशियंट वाले तो ठीक है, अभी जो रिवाइड वर्जन है मॉडर्न ओलंपिक्स, उसकी शुरुआत हुई थी 1896 में, और इसको माना जाता है आपके डॉक्टर पियरे डी कोबर्टिन, पियरे डी कोबर्टिन फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स। पुराने ओलंपिक्स आपके किसके उसमें किए जाते थे, किसके, गॉड के ऑनर में, गॉड जीयूस, गॉड जीयूस के ऑनर में किए जाते थे पुराने आपके ओलंपिक्स। पहला फुट रेस होता था, पहले फुट रेस होता था आपका, ठीक है, फर्स्ट ओलंपिक इवेंट था आपका फुट रेस, ये चीज याद रखना। तो LNIP वाले सिर्फ फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम देंगे, हाँ बिल्कुल एग्जाम फिजिकल एजुकेशन का देंगे। अब आगे देखो, हाँ अब देखो, ये तो आपका पुराने समय में कौन कौन से गेम आपके होते थे ये सारे देखने को मिलते थे। ये मेथड याद रखना, राइस मेथड आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, राइस मेथड। राइस क्या है, रेस्ट आइस कंप्रेशन एलिवेशन, ये आपका 100% आ जाएगा, फुल फॉर्म आ जाएगी, RIC का मतलब आ जाएगा। उसके साथ साथ एक्स्ट्रा और बता देता हूं, प्राइस, प्राइस का मतलब होता है प्रोटेक्शन, रेस्ट कंप्रेशन एलिवेशन, उसके साथ में प्रिंस आ जाएगा, प्रिंस प्राइस आ जाएगा, प्राइस, ठीक है, प्रोटेक्शन रेस्ट आइस कंप्रेशन एलिवेशन, और उसके साथ साथ में आपका राइस और प्रिंस भी पूछा जाता है आपसे कभी कभी। उसके बाद में आपका और क्या क्या इंपॉर्टेंट बनता है, फटाफट से हम कर रहे हैं इसको ताकि आपको जल्दी से कवर हो जाए। आपके साई से क्या क्वेश्चन आएगा, ये वाले भी बात बात करेंगे, आपकी साई कब बनी थी, साई आपका 1984 में बनी थी, ये चीज पता होनी चाहिए आपको। अब आपके सिलेबस पे वापस से चलते हैं, ये आपके सिलेबस पे आ गए हम वापस से। अब मैं आपको फिर से बता देता हूं, आपको ये बताना आइसोमेट्रिक का इजाद किसने किया था, आइसोटोनिक का इजाद किसने किया था, ये बताओ मुझे। सर्किट ट्रेनिंग किसने बनाई थी और वेट ट्रेनिंग, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये तो नॉर्मल सी बात है सबको पता है, एडवांटेज ही आएंगे, डिसएडवांटेज अगर देखा जाए तो कोई भी। फिर आगे देखो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, NSNIS पूछा जाएगा आपसे, NSNIS आपका कब बना था, NSNIS आपका कब बना था, साई कब बना था, साई आपका कब बना था, IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी आपकी कब बनी थी, और IOA, IOA यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कब बनी थी, YMCA, YMCA कब बनी थी आपकी, फिर क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कब बना था, लखनऊ वाला, LNIP आपका कब बना था। ये सारी डेट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि अभी तक एग्जाम में ये डेट्स नहीं पूछी है, एक आधी पूछी है साई से रिलेटेड, फेज टू में जरूर ये पूछी जाएंगी, एग्जामिनर्स के पास क्वेश्चन बहुत कम है, तो आप ही मुर्गे फंस सकते हो, ठीक है, आप ही मुर्गे हो जो फंस सकते हो, जो कि आपके, ठीक है, कांस्टेंट, बिल्कुल आप मुर्गे बन सकते हो और आप मुर्गे बन के फंस सकते हो इसमें। ये कब बनी बनी थी, सबका डेट आपको याद रखना है, वैसे मैं तो बताऊंगा ही आपको, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है,
सबसे पहले आपका इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी की बात करते हैं, तो ये बना था आपका 1894, 1984। इसी के साथ साथ दो बातें और याद रखनी है, इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे डेमेटियस विकेलस, डेमेटियस विकेलस, साथ में ही आपको ये भी याद रखना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो लोसाने स्विट्जरलैंड में है, लोसाने स्विट्जरलैंड में। उसके बाद में आपका आईओसी के बाद में हम और बात करते हैं इंडिया की, आईओए, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कब बनी थी? ये बनी थी आपकी 1927 में, सर दोराबजी टाटा। ठीक है, सर दोराबजी टाटा इसके पीछे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबल थे। और आपको टाइमलाइन अगर मैं दिखा दूं, तो इंपॉर्टेंट बन जाएगी आपकी ये देखो, सर दोराबजी टाटा। और उसके बाद में आप नीचे चलोगे, अगर नीचे चलोगे तो आपको और क्या क्या देखने को मिलेगा, पियरे डी कोबर्टिन का, इनकी मृत्यु कब हो गई? 1937 में मृत्यु हुई इनकी। उसके साथ साथ में पहली बार भारत का मेडल आया, ये तो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ। HVPM आपके में पूछा नहीं है शायद। YMCA कब बना? YMCA 1920 में बना, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। किसने खोला YMCA? HC बक ने, यानी हैरी क्रो बक ने पहली बार आपका YMCA खोला। उसके बाद में अगर हम बात करें तो उससे पहले हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल खुला हुआ था, HVPM इंडिया में जो खुला हुआ था, HVPM हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल। और 1994 में आपको मैंने बताया था डेमेटियस विकेलस, ये पहले प्रेसिडेंट बने आपके ओलंपिक्स के, हेडक्वार्टर है लोसाने स्विट्जरलैंड में। कौन कौन सी लैंग्वेज यूज होती है? तो फ्रेंच और इंग्लिश दो। और करंट आपके प्रेसिडेंट है थॉमस बैक, यह चीज याद रखनी है आपको। उसके बाद में अगर हम देखें और नीचे, NCC का गठन कब हुआ ये पता होना चाहिए, 15 जुलाई 1948 को। इसका मोटो क्या है? यूनिटी एंड डिसिप्लिन, तो ये चीज आपको याद रखनी है, यूनिटी एंड डिसिप्लिन इसका मोटो है। और इसका गठन हुआ 1948 में, ये दो क्वेश्चन याद रखने हैं आपको। और साथ साथ में इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता देता हूँ, LNIP की बात करें तो LNIP 1957 में बना, ये भी चीज इंपॉर्टेंट है। NSNIS 1961 में बना, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए, 1961 में आपका NSNIS बना। उसके बाद इसी टाइम में आपका अर्जुन अवार्ड भी बना था, वो भी पता होगा आपको 1961 में। फिर आगे चलते हैं, 61 से बाद आपका 84 में चलते हैं, 84 में आपका साई बना, साई कब बना? 84 में। और NSNIS बना आपका, और उसके बाद में आगे चले
यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये बनते हैं, आपके हिस्ट्री से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो यहाँ से बाहर आपके कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे अगर हिस्ट्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे जाए तो, याद रखना। यहाँ से रिलेटेड और ज्यादा इनसे आगे कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। LNIP की कुछ खास बातें हैं वो याद रख लो, कि LNIP में आपका और इम्पोर्टेंट क्या क्या पूछा जा सकता है उसको एक बार देख लो आप। तो ये इसके फाउंडर एक तरीके से, ये कब फाउंड की गई, 1957 में। इसके फाउंडर कौन है? पीएम जोसेफ, पीएम जोसेफ, ये चीज पता होनी चाहिए। पहले ये विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन के अंडर में आती थी, 1964 में आपकी जीवाजी यूनिवर्सिटी के अंडर में आने लगी ग्वालियर जो अंदर है। उसके बाद 84 में ये ऑटोनोमस कॉलेज बन गया और 95 में ये डीम्ड यूनिवर्सिटी बन गया। ये चार डेट इंपॉर्टेंट है, अगर आ जाए तो बोलना मत कि सर आपने बताया नहीं था। ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट है। साई का भी मैंने आपको बता दिया, और क्या क्या आपके यूनिट्स में इंपॉर्टेंट है उसको भी एक बार विजिट कर लेते हैं। आपका सिलेबस देख लेते हैं पहले, तो सिलेबस कहाँ चला गया, ये रहा। ठीक है, तो ये चीज आपको पता लग गई होगी सारी की सारी। टूर्नामेंट की बात करें तो नॉकआउट टूर्नामेंट से क्वेश्चन आएगा कि कौन सी ऐसी टीम है जो एक बार हारने पे बाहर हो जाती है, कौन से टूर्नामेंट में एक बार हारने पे बाहर हो जाती है। तो नॉकआउट टूर्नामेंट में किस मैच को सबके साथ खिलाया जाता है, कौन से टूर्नामेंट को? तो लीग टूर्नामेंट को। लीग टूर्नामेंट का और दूसरा नाम बताओ तो राउंड रोबिन टूर्नामेंट भी बोलते हैं, राउंड रोबिन टूर्नामेंट। और साथ में ही इसका दूसरा नाम है बैर्गर सिस्टम, बैर्गर सिस्टम। तो ये दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इंट्रामोरल विद इन द वॉल्स और आउटसाइड द वॉल एक्स्ट्रामोरल। ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक्स्ट्रामोरल क्या है? आपका जो आपके स्कूल से बाहर के खिलाड़ी खेलते हैं जिसमें, और इंट्रामोरल आपका जिसमें आपके स्कूल के खिलाड़ी अंदर के खेलते हैं। फिर आपका पूछ रहा है आपका नेशनल और इंटरनेशनल फेडरेशन और उनकी बॉडीज कौन कौन सी है और उनके टूर्नामेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो ये थोड़ी सी यूनिट है जो आपको कवर करनी है। हेल्थ एजुकेशन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है कम्युनिकेबल डिजीज से, यहां से क्वेश्चन आएंगे आपके कौन कौन सी डिजीज है। तो कम्युनिकेबल डिजीज वो होती है जो स्प्रेड हो जाती है इजीली, इजीली स्प्रेड हो जाती है। जैसे कि वो अलग अलग टाइप की हो सकती है, वो बैक्टीरियल हो सकती है, वायरल हो सकती है, कि वायरस से होने वाली हो सकती है, तो किसी भी तरीके से वो हो सकती है। ट्रेनी इंटरवल, उसके साथ साथ में अगर हम देखें तो डिसेबिलिटी और रिहेबिलिटेशन, इससे भी क्वेश्चन देखेंगे क्या क्या आपके बनते हैं। पोस्चर को देख लेते हैं, पोस्चर से किस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये आपके चार आपको देखने को मिल रहे हैं जिनमें आपकी सिंपल सी आप पहली चीज को देख पा रहे हैं। ठीक है, पहली चीज आप देख रहे हैं ये नॉर्मल आपकी स्पाइन है, पहली जो फोटो है। सेकंड में आपको काइफोसिस हो रखा है, इसके बारे में समझ लो थोड़ा सा। काइफोसिस आपके ऊपर वाली बैक में होता है, ऊपर वाली बैक मतलब कि थोरेसिक वर्टिब्रे में आपका होता है, थोरेसिक वर्टिब्रे में आपका होता है। और याद रखो जिस तरफ आपका कोई भी डिफॉर्मिटी हो रखी है उससे अपोजिट में कोई आसन करेंगे तो वो उस डिफॉर्मिटी को ठीक करने वाला आसन होता है। जैसे आगे की तरफ झुक रहे हैं तो जाहिर सी बात है पीछे की तरफ झुकने वाला कोई भी आसन करेंगे वो उसका बेस्ट आसन हो जाएगा। तो आप आगे की तरफ झुक रहे हैं, आप इसको ठीक करने के लिए आप पीछे की तरफ इस तरीके से भुजंग आसन में झुक सकते हैं, आप कोबरा पोज यूज कर सकते हैं, उसके साथ साथ में ब्रिज बना सकते हैं, ठीक है, चक्रासन कर सकते हैं, धनुरासन कर सकते हैं। तो उससे आपका ये वर्टिब्रे पीछे की तरफ हो जाएगा, उससे ठीक होगा। और जो आपका लॉर्डोसिस है वो आपके लंबर रीजन में होता है, नीचे की तरफ होता है, इसके अंदर आपका बैक घुस जाती है। तो इसमें देखो बैक अंदर को घुस रही है तो इस बैक को आपको बाहर निकालना है, तो क्या करेंगे आप? फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे। तो फॉरवर्ड बेंडिंग को बोलते हैं पश्चिमोत्तान आसन। तो पश्चिमोत्तान आसन इज वेरी बेनिफिशियल फॉर लॉर्डोसिस, और जितने भी आसन आपके फॉरवर्ड बेंडिंग के हैं वो सारे आपके लॉर्डोसिस को ठीक करने का काम करते हैं। उसके बाद में स्कोलियोसिस है, स्कोलियोसिस मतलब कि आपकी बैक जो है साइड की तरफ बेंड हो जाती है, लेटरल बेंडिंग।
तो आप जिस तरफ बेंड हो रहे हो उसके अपोजिट में आसन करोगे तो वो आसन आपके लिए हो जाएगा, जैसे आपका तिकोण आसन, इस तरीके से आपका अर्धचक्र आसन, ठीक है, इस तरीके से आपके क्वेश्चन। अब दो क्वेश्चन और आते हैं जेनु वेलगम और जेनु वेरम से। तो नोकनी है इसको हम बोलते हैं जेनु वेलगम, क्योंकि आपके नीज जो है ये चिपक रहे हैं, और किससे चिपकते हैं, किस चीज से चिपकते हैं, कोई भी गम होती है उससे चिपकाते हैं ना, तो देखियो गन वेलगम में गम आ रहा है, तो गम से चिपकते हैं तो अंदर की तरफ चिपकेंगे तो नोक नीज हो जाएंगे, आपस में नोक करेंगे, नोक नीज, ठीक है, चिपक रहे हैं यानी जेनु वेलगम, ये याद रखना साइंटिफिक नेम जेनु वेलगम। और उसी तरीके से ये आपके जेनु वेलगम है, और उसी तरीके से आपके जो नीज है वो बाहर की साइड हो जाते हैं, उनको हम बोलते हैं बो लेग्स, बो लेग्स मतलब बाहर की साइड, तो वो आपके होते हैं, वो कहलाते हैं आपके जेनु वेरम, जेनु वेरम, वेरम मतलब कि बाहर की साइड, बाहर की साइड आपके दोनों पैर घुटने इस तरीके से, एक घुटना इस इधर बाहर, एक घुटना इधर बाहर, बीच में गैप बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा इस घुटने में आपका, तो जेनु वेरम यानी कि आपका बो लेग। जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, यहां से आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सभी को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल और व्हाट एवर यू वांट टू से। ओके सो अभी देखो ये आपके फ्लैट फुट है, फ्लैट फुट आपके कैसे होते हैं, ये जो नॉर्मल आर्च होता है ये बनता नहीं है फ्लैट फुट में, सीधे फ्लैट दिखते हैं, ये फ्लैट दिखते हैं तो फ्लैट फुट इसको बोलते हैं फ्लैट फुट, ठीक है। उसके बाद में आपका फ्लैट फुट का दूसरा नाम आपका पीस प्लेनस है, याद रखना ये मैं भूल गया बताना, पीस प्लेनस बोलते हैं आपके फ्लैट फुट को, पीस प्लेनस बोलते हैं फ्लैट फुट को, ये क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में। लोर्डोसिस आपने देख ही लिया, आपको मैंने बता दिया, काइफोसिस भी आपको बताया है किस तरीके से है, ये आपके बो लेग है जिसको मैंने बताया था, इसको हम बोलते हैं आपका जेनु वेरम, ठीक है, वेरम। और उसके साथ साथ अगली जो आपकी मेन इंपॉर्टेंट यूनिट है वो है टेस्ट एंड मेजरमेंट, टेस्ट एंड मेजरमेंट से किस तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे वो आप देख लो। 50 मीटर डैश किस लिए यूज होता है, तो स्पीड टेस्ट करने के लिए यूज होता है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में किस लिए यूज होता है, तो 50 मीटर डैश जो होता है वो आपकी क्या चीज चेक करता है, मैक्सिमम स्पीड या स्प्रिंट चेक करता है, स्पीड को टेस्ट करने का काम करता है। क्वेश्चन जहां से जैसे पूछे जाएंगे वैसे ही बात करेंगे, बाकी हम और कुछ फालतू बातें नहीं करेंगे। उसके साथ साथ में जो आपका 600 मीटर रन एंड वॉक होता है वो किस लिए होता है, आपका एंड्योरेंस टेस्ट करने के लिए, एंड्योरेंस ये आपका एंड्योरेंस टेस्ट करता है। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप आपका क्या टेस्ट करेगा, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ टेस्ट करेगा, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ को टेस्ट करने का काम करता है आपका। 4 × 10 शटल, शटल रन क्या है, क्या यूज करेगी, ये आपके स्पीड और एजिलिटी को टेस्ट करेगा, शटल रन क्या, एजिलिटी या फिर स्पीड और एजिलिटी दोनों। कर्ल अप, पार्शियल कर्ल अप आपका क्या चीज टेस्ट करेगा, ये आपका टेस्ट करेगा आपके एब्डोमेन स्ट्रेंथ, एब्डोमेन स्ट्रेंथ। पुशअप्स आपका क्या चीज, अपर बॉडी स्ट्रेंथ, अपर बॉडी स्ट्रेंथ को टेस्ट करने का काम करता है, अपर बॉडी स्ट्रेंथ याद रखना। मॉडिफाइड पुशअप सेम अपर बॉडी स्ट्रेंथ, ये भी गर्ल्स के लिए अपर बॉडी स्ट्रेंथ को टेस्ट करने का काम करती है, अपर बॉडी स्ट्रेंथ। यहां से सीधे सीधे क्वेश्चन बनेंगे। सिट एंड रीच आपका क्या चीज किस लिए होता है, फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट करने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी स्पेसिफिक आ जाए कि कहां की फ्लेक्सिबिलिटी, तो स्पाइन फ्लेक्सिबिलिटी, स्पाइन फ्लेक्सिबिलिटी, बैक की यानी कि आपकी बैक की जो है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को टेस्ट करने का काम करती है। इसको दोनों तरीके से किया जा सकता है,
फॉरवर्ड बेंड एंड रीच और आपका सिट एंड रीच, बैठ के भी और खड़े होके भी किया जाता है। अब हम बात करते हैं आपके बैरो के तीन आपके टेस्ट की, जिसमें आपके क्या क्या होते हैं। बैरो थ्री मोटर एबिलिटीज, इसमें सबसे पहले आपका स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, जो कि क्या मेजर करता है, आपकी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ को मेजर करता है। जिगजैग रन क्या काम करता है, आपकी एजिलिटी और स्पीड को टेस्ट करने का काम करता है। इसमें तीन तीन चांस दिए जाते हैं, तीन चांस, ठीक है, ऊपर वाले में भी तीन चांस दिए जाते हैं। मेडिसिन बॉल थ्रो आपका क्या काम करने का करता है, आपकी शोल्डर स्ट्रेंथ को मेजर करने का काम करता है, आर्म्स और शोल्डर स्ट्रेंथ को मेजर करने का काम करता है आपकी मेडिसिन बॉल पुट, ठीक है। ये अलग है, ये एक हाथ से करते हैं। इसमें 1 किलो होती है गर्ल्स के लिए और 3 किलो होती है बॉयज के लिए, 1 किलो होती है गर्ल्स के लिए और 3 किलो होती है बॉयज के लिए। ये तीन टेस्ट होते हैं। अब कार्डियोवेस्कुलर की बात कर लेते हैं। कार्डियोवेस्कुलर फिटनेस के लिए आपके दो टेस्ट दे रखे हैं, एक रोकपोर टेस्ट दे रखा है। रोकपोर टेस्ट में क्या करते हैं आप, रोकपोर टेस्ट में आप क्या करते हैं, किस तरीके से ये होता है, इसको भी बात कर लेते हैं। रोकपोर टेस्ट में आप किसी भी एक बेंच पे 5 मिनट तक कंटिन्यू करते रहते हैं। इसमें कार्डियोवेस्कुलर एंड्योरेंस टेस्ट करने के लिए आपका हार्वर्ड टेस्ट और रोकपोर टेस्ट। तो इसमें सबसे पहला आपका हार्वर्ड स्टेप टेस्ट देख लेते हैं। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में क्या करते हैं, ठीक है, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में क्या करते हैं उसको देख लेते हैं। तो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में आपका एक बेंच होती है, उसमें 5 मिनट तक 30 स्टेप करने होते हैं, यानी कि 1 मिनट में कम से कम आपको 60 सेकेंड में 30 स्टेप, यानी कि एक अगर 2 सेकेंड में एक स्टेप करेंगे तभी जाके तो 30 स्टेप होंगे। 30 को इंटू कर दो 2 से तो 60 सेकेंड होते हैं ना, 1 मिनट में 30 30 स्टेप करने हैं मिनिमम आपको। तो ये उसके बाद में जब आप कर लेते हो, पूरा कंप्लीट कर लेते हो, 1 मिनट बाद, 2 मिनट बाद और 3 मिनट बाद आपकी अलग अलग पल्स रेट ली जाती है, पल्स रेट आपकी ली जाती है। और पल्स रेट के बाद में आपका क्या होता है, पल्स रेट के बाद आपका फॉर्मूला लगता है। कौन सा फॉर्मूला है ये, तो ये फॉर्मूला नीचे दे रखा है, आप देख सकते हैं इजीली। जो फॉर्मूला दे रखा है वो आपका है ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज, कितनी देर आपने एक्सरसाइज करी सेकेंड्स में, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो और उसको डिवाइड कर दो 2 इंटू सम ऑफ पल्स रिकवरी, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है, ये याद रख लेना, आ जाए तो एग्जाम में। नेक्स्ट देख लेते हैं रोक पॉट टेस्ट क्या होता है। ये वीओ टू मैक्स मेजर करने का काम करता है, वीओ टू मैक्स करने का काम करता है, मेजर करने का काम करता है वीओ टू मैक्स। इसमें आपका 1 माइल तक वॉक करना होता है, उसके बाद में इसमें आपका वीओ टू मैक्स देखते हैं फॉर्मूला लगा के। अब एक और चीज देख लो इम्पॉर्टेंट, सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट, ये आपके इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके 6 टेस्ट होते हैं। पहला आपका चेयर सिट लोअर बॉडी स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए, कार्ल अप आपकी किस लिए होती है, अपर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए, चेयर सिट और रीच आपकी लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, बैक स्ट्रेच ये आपकी अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, 8 फुट गो टेस्ट एजिलिटी टेस्ट करने के लिए, और 6 मिनट वॉक टेस्ट किस लिए होता है, एरोबिक एंड्योरेंस टेस्ट करने के लिए। तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में इस तरीके से सेम बन जाएंगे। तो रिकली एंड जॉनसन्स ने तैयार किया था सीनियर सिटीजन का टेस्ट, तो उनको किस तरीके से मेजर करते हैं, किस तरीके से करते हैं, तो वो सारी चीजें यहां पर दे रखी है, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं ये फॉर्मूला लगा के। ये वाला आपका ऊपर वाले का फॉर्मूला है रिकली एंड जॉनसन, ये आपका रॉक पॉड। तबीयत ज्यादा ही खराब हो गई कुछ ऐसा लग रहा है, ठीक है। हेलो भाई, यस चौहान, हेलो साल, ठीक है। अब ये देखो जो रॉक पॉड मैंने ऊपर बताया ना, उसका फॉर्मूला क्या है, तो उसका फॉर्मूला आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका फॉर्मूला है उसका। अब देखो ये आपका फॉर्मूला दे रखा है, इस फॉर्मूले को याद कर लेना, अगर एग्जाम में आपका आ जाए तो कर देना। अब देखते हैं अपर बॉडी स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए कौन सा क्या क्या यूज करते हैं। ये अपर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए आपका आर्म कर्ल टेस्ट होता है।
अपर बॉडी के लिए क्या होता है, सीनियर सिटीजन के लिए आर्म कर्ल टेस्ट। इसमें 5 किलो का, या 5 किलो कह रहा हूं, 5 पाउंड का वुमेन्स के लिए और 8 पाउंड्स का आपका फीमेल्स के लिए, ठीक है। ये आपका अलग अलग टेस्ट होता है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ओके नाउ अगर हम देखें इसको, अगर देखें इसके बारे में बात करें, तो 8 पाउंड याद रखना आपको, 8 पाउंड किसके लिए होता है, मेल्स के लिए, सीनियर्स के लिए, ठीक है, और 5 पाउंड्स होता है आपका फीमेल्स के लिए, वुमेन्स के लिए। तो ये चीज आपको दोनों याद रखनी है, किस किस में, ये आपका ठीक है अपर बॉडी आपकी स्ट्रेंथ को मेजर करने का काम करता है। 30 सेकंड दिए जाते हैं आपको, 30 सेकंड में आप मैक्सिमम जितनी बार ऊपर नीचे करेंगे, यहाँ बैठ के चेयर पे ऊपर नीचे आपके आर्म्स को करेंगे, उतना ज्यादा आपको नंबर मिलेंगे। उसके साथ साथ नीचे देखो, अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट करनी है, तो इसमें क्या है, जितना आप टच कर पा रहे हैं हाथ को, तो 0 हो जाएगा आपका, और क्रॉस कर देंगे तो नेगेटिव में स्कोर जाएगा, मतलब पॉजिटिव में जाएगा। तो ये चीज है, तो पॉजिटिव कितना आप कर पा रहे हैं वो चीज है, सिंपल सी बात है। जितना आप ओवरलैप लैप कर देंगे इस तरीके से, अगर आप टच कर पा रहे हैं तो 0, अगर ओवरलैप कर देंगे पॉजिटिव स्कोर, और जितना पीछे रहेंगे नेगेटिव स्कोर। तो ये सिंपल सी बात है। लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें भी ऐसे ही आपको बैठ के प्रोसीजर फॉलो करना होता है, यहाँ पे ऐसे टच करना होता है, ताकि आपके हैमस्ट्रिंग और लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को टेस्ट किया जाता है। यह जैसे अगर आपने टच कर दिया, अगर टच नहीं कर पाए, बीच में गैप है, तो नेगेटिव स्कोर। अगर टच कर दिया और गैप नहीं है, तो 0 स्कोर। अगर टच करके वो आगे निकल गया, पार निकल गया, तो पॉजिटिव स्कोर, ठीक है। ये चीज तो ऐसे ही सेम उसमें भी है, पीछे की तरफ बैक में चेक करेंगे उसको। हेलो भाई, यस हेलो। उसके बाद में लोअर बॉडी स्ट्रेंथ का, अगर हम स्टैंडिंग चेयर के साथ टेस्ट करें, तो उठना और बैठना होता है, ठीक है, उठना और बैठना होता है। इसमें स्टॉप वॉच होती है आपकी, और आपको 30 सेकंड दिए जाते हैं, और कितने आप बार आप उठ बैठ पाते हैं, उससे आपकी लोअर बॉडी स्ट्रेंथ चेक की जाती है। अब एजिलिटी को टेस्ट करने के लिए आपके पास ये है, एक 8 फुट अप एंड गो टेस्ट होता है। इसमें आपका 8 फीट का फ्रंट तक जाना होता है चेयर से, और सर्कल लगा के आना होता है। तो इसमें ये चीज परफॉर्म करनी होती है आपको, गो पे जाना होता है और फिर वापस आना होता है आपको। तो ये भी आपका एक तरीके से किसके टेस्ट करने के लिए होता है, एजिलिटी टेस्ट करने के लिए। अब हम सिलेबस को देख लेते हैं, फिर से सिलेबस पे पहुंच लेते हैं, आपके सिलेबस में क्या क्या आपके इंपॉर्टेंट है। ओके बाकी बायोमैकेनिक्स और स्पोर्ट्स, ये आपके सारे के सारे कवर कर रखे हैं किसमें, मास्टर वीडियो में। ये सारे मास्टर वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, जितने भी आपके यूनिट्स हैं, ठीक है। ये सारी यूनिट्स दोबारा से मास्टर वीडियो में जाके देख लेना, बीपीएड की मास्टर वीडियो बना रखी, 2 पार्ट है, दोनों को देख लेना, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। और जब एग्जाम दे के आओ, तो इंस्टाग्राम पे जरूर बताना हमें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, जिस दिन एग्जाम क्लियर होगा उस दिन आपको स्टोरी लगा के मेंशन जरूर करना है। थैंक यू सो मच, आज का हमारा क्लास हम यही एंड करते हैं, तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है ज्यादा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल वी मीट स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों जगह फॉलो कर लो, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।